आई एम डॉक्टर शारदा जैन। आज मैं आपको हिंदुओं का एक महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये महामंत्र है, बोध लॉर्ड विष्णु और कृष्ण का मंत्र है। ये समृद्धि और सुख प्रदायक मंत्र है। इससे अहंकार मिट जाता है, सब नेगेटिव इमोशंस खत्म हो जाते हैं, पॉजिटिव इमोशंस चारों तरफ बिखरते हैं। ये कामनाओं को पूर्ण करने वाला मंत्र है, पर सबसे ज्यादा हिंदू इसको मुक्ति मंत्र मानते हैं। फ्रीडम देता है। कृष्ण तो यहां तक कहते हैं, तुम मुझको याद करो, इस मंत्र को जपो, अपना कार्य करते रहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। थोड़ी सी भी आवाज दोगे तो मुझ तक पहुंच जाएगी, मैं आपका कल्याण करूंगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। इतना आश्वासन दिया है श्री कृष्ण ने अपने डिवोटीज को। इसके जो 12 वर्ड अल्फाबेट्स हैं, वो श्रीमद् भागवतम के 12 चैप्टर्स को निशेच करते हैं। तो इसको बहुत भक्ति के साथ इस महामंत्र को गाना चाहिए। नारद जी ने ये मंत्र, मुक्ति मंत्र, ध्रुव को दिया और ध्रुव तारा हो गए। यही मंत्र प्रहलाद की मां को, जब वो प्रेग्नेंट स्टेट में थी, तब ये मंत्र उनको भी मिला। तो प्रहलाद ने, जब वो मां के गर्भ में थे, तब से ही इसको गाना शुरू कर दिया। सो ये दो बालक ऋषि महर्षि नारद से प्रेरित रहे, और इतिहास में उनका पूर्ण नाम है, आप लोग सभी जानते हैं। दो परंपराओं से ये मंत्र जुड़ा हुआ है, एक पुराणिक परंपरा जिसमें कि देव ऋषि नारद जी का आगे बढ़ाया है, और एक तांत्रिक जिसमें कि ऋषि प्रजापति के बारे में कहा गया कि वो उसको चलाते हैं। सो ये हिंदुओं का महामंत्र है, ये सुख समृद्धि देने वाला मंत्र है, एंड आप याद रखें, ये मोक्ष देने वाला मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। Thank you.